द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और जैसे द्रौपदी को दांव पर लगाया मामा शकुनी ने पाटा फेंका तो द्रौपदी को भी हार गए। और जैसे ही द्रौपदी को हारे दुर्योधन खड़ा हो गया और बोला अरे है कोई सभा में है कोई ऐसा जो जाए और जाकर के द्रौपदी को भरी सभा में खींच करके लाए। कोई बोले दुर्योधन का छोटा भैया दुशासन ही खड़ा हो गया। दुशासन बोला हमारे होते हुए किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं हम है ना। दुशासन गया और बोला द्रौपदी चलो तुम्हें युवराज ने बुलाया। कहाँ? बोले द्यूत क्रीड़ा में जानी हुई। और सभा में पुरुषों का काम है, द्यूत क्रीड़ा में जुए के खेल में पुरुषों का काम है ना कि नारियों का। अरे हमारे पांच पांच पति हैं ना वहां पर तो उनसे निपट ले हमारी क्या आवश्यकता पड़ गई। मैं नहीं जाती। दुशासन बोला अगर तू नहीं चलेगी तो भी जबरदस्ती ले जाऊंगा। द्रौपदी बोली सुन मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ इस समय और तू जा मुझे हाथ मत लगाना। दुशासन आगे बढ़ा और द्रौपदी के खुले हुए केसों को पकड़ लिया।